कैसी है अपनी जनता, उम्मीद करता हूँ अच्छी होगी। तो भाई लोग, आज की वीडियो कोई स्ट्रेटजी वीडियो नहीं है, आज हम लीग स्टेज की परफॉर्मेंस के बेस पे देखेंगे कि कौन सी टीम के स्ट्रॉन्गेस्ट चांस है फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करने के। इसके अलावा आप भी प्रिडिक्ट कर सकते हो अपनी टॉप 6 टीम। कल मैच के बाद मैं चेक करूंगा जिसकी सबसे पहले सारी टीम्स करेक्ट होंगी उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। चलो अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं उन दो टीम्स की जिनके सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है क्वालिफाई होने के, और वो टीम्स है ओरा गेमिंग, ईस्पोर्ट्स और यूजी एम्पायर। बिकॉज इन दोनों टीम्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी लीग स्टेजेस में। एजी ने पहले दिन टेबल टॉप किया था, तो दूसरी तरफ यूजी एम्पायर ने फाइनल डे बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। और प्लेन्स एक ही दिन का होगा तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि ये दो टीम्स अपनी सीट पक्की कर लेंगी। अब दो फाइनलिस्ट के बाद बात करते हैं उन दो टीम्स की जो फ्री फायर की बेहतरीन टीम्स में आती हैं, बट उन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। हाँ गाइज, मैं टीम इलीट और TSM की बात कर रहा हूँ। TSM ने जहाँ लीग स्टेज को सीरियसली लिया ही नहीं, कभी गाड़ी चला के कहीं भी घुस जा रहे थे तो कभी अलग अलग पुश करके मर रहे थे। बट आई एम श्योर इन्होंने प्लेन्स के लिए प्रिपेयर किया होगा एंड हमें ओल्ड TSM देखने को मिल सकती है। इसके अलावा टीम इलीट, जिनकी परफॉर्मेंस वैसे तो नॉर्मल थी, बट लास्ट दिन इन्होंने खुद अच्छा परफॉर्म करने की जगह फोर अननोन के गेम को बिगाड़ने की कोशिश की, बट उल्टा किल शॉट देके आ गए। टीम इलीट अगर अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दे तो हमें बेटर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। इनके अलावा एक और टीम T2K, जिन्होंने लास्ट वीक में परफॉर्मेंस को अप किया, ये टीम कंसिस्टेंटली सेकंड पोजीशन पर आती रही। और अगर T2K ने ये वाली फॉर्म को कैरी किया तो इनसे फाइनल का स्पॉट छीनना काफी मुश्किल होगा। इसके बाद फाइनल डे में PVS और TNM ने कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, बट इनके पास बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी नहीं है। TC ने पास्ट में कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, बट यहाँ ये टीम अपनी स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। काफ़ी बार ऑफ गार्ड वाइप आउट हुए, बिल्कुल ख़राब परफॉर्मेंस तो नहीं थी TC की, बट स्टिल क्वालिफाई तो 6 टीम्स ही करेंगी, तो इन्हें उन टीम्स को टक्कर देनी होगी। मेरे हिसाब से AG, UG, TSM, टीम इलीट और T2K इन 5 टीम्स के फाइनल में जाने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं और टीम से हेट करता हूँ या और कुछ, मैं सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पर जज कर रहा हूँ। LR7, SG, Aero, FTF, PVS, TNM, TC को फाइनल स्पॉट के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। अब तुम कमेंट में बताओ कि मेरा प्रेडिक्शन कहां तक सही है और तुम इस प्रेडिक्शन में क्या चेंज करना चाहोगे। और गाइज, ये बस प्रेडिक्शन ही है, हो सकता है कि LR7, PVS, TNM और TC ऐसी टीम्स अपनी फॉर्म में वापस आ जाएं और बड़ी टीम्स को इस बार बाहर बैठना पड़े। बट मैंने पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे कुछ बातें बताई हैं। लोअर 7 टीम्स को अपनी स्ट्रेटेजी और खेलने के तरीके में चेंज लाना होगा, नहीं तो इस FFIC में उनके लिए मौका नहीं बनेगा। गाइस, तो ये थी प्रेडिक्शन पे छोटी सी वीडियो। मैंने एनालिसिस से हटके कुछ नया कंटेंट ट्राई किया है, हो सकता है काफी लोग ऑफेंड हो जाएं। बताना गाइस, कभी कभी ऐसा कंटेंट ठीक है या मुझे सिर्फ एनालिसिस ही करनी चाहिए। आप जितना एक्यूरेट ओपिनियन दोगे मैं उतना ही बढ़िया कंटेंट आपको दे पाऊंगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।